गुड मॉर्निंग कल क्लास में हम लोग देखे थे कि सब जो राज्य व्यवस्था के, के क्या क्या तत्व होते हैं आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया हुई थी और भारतीय संविधान के निर्माण के स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से निर्माण किया गया तो उसको देखेंगे तो भारत के संविधान के निर्माण के दो तरह से दिखाया दिखा सकता है एक ब्रिटिश के द्वारा जो मूल रूप से सत्रह से लेकर 1947 तक समाहित है और दूसरा भारतीयों के द्वारा जो संविधान के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन में आ, मांग की गई थी संविधान कैसे निर्माण किया जाए या उससे जुड़ा हुआ भारतीयों के द्वारा तो हम पहला सेशन देखेंगे ब्रिटिश के द्वारा सोलह सौ सो ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था चूंकि 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद इंग्लैंड में उद्योग क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड या यूरोपियन देशों के लिए एक महत्वपूर्ण ये था कि कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ किया जाए या नए बाजार खोज किया क्या कहाँ किया जाए पुर्तगाली द्वारा चौदह सौ अंठानवे ईस्वी में बास्कोटिकमा द्वारा भारत की खोज की गई थी और भारत से वापस जाने पर उनके व्यापार में 200-300 परसेंट की वृद्धि हुई थी इसी को देखते हुए इंग्लैंड के द्वारा भी ब्रिटिश के द्वारा भी एक कंपनी का निर्माण किया गया सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया जो भारत में व्यापार करने आते ठीक है जब भारत में व्यापार करने आ रहे थे यानी सत्रह सौ सत्तावन तक मात्र व्यापारिक कंपनी बनकर भारत में कार्य कर रही थी लेकिन सत्रह में पलासी के युद्ध में पहली बार ब्रिटिश ने साम्राज्य निर्माण में भूमिका निभाई और सत्रह के बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्ति मुगल बादशाह शाहलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम को हराने के बाद उसे 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया दीवानी अधिकार का तात्पर्य होता है कि माल गुजारी या लगान वसूलने का अधिकार ब्रिटिश को मिल गया और जब ब्रिटिश को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी में सत्रह में जब दीवानी अधिकार मिला तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे थे इसी के तहत उस भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए सत्रह में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया सत्रह तिहत्तर में पहला रेगुलेटिंग आया रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य होता है कि नियंत्रित करना और नियमित करना रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह सौ तिहत्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तो पहली बार एक शासन व्यवस्था में कम ब्रिटिश आधिपत्य का आक्षेपण होना चालू हुआ तो सत्रह सौ तिहत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी को के कर्मचारियों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए लाया गया था और सत्रह से लेकर 1858 तक कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए एक्ट लाया गया था या चार्टर लाया गया था वहीं अठारह से लेकर 1947 तक ब्रिटिश डायरेक्ट रूप से भारत के लिए कानून बना रहे थे यानी सत्रह से लेकर अठारह ब्रिटिश कानून बना रहे थे सिर्फ कंपनी को लेकर लेकिन अठारह सौ सन्तावन के विद्रोह के बाद अठारह सौ में ताज का शासन चालू हुआ यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हुआ जहां ब्रिटिश कोई भी कानून बनाते थे, थे वो भारत के लिए डायरेक्ट रूप से बना रहे थे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सत्रह सौ तिहत्तर का रूटिंग एक्ट देखते हैं सत्रह सौ तिहत्तर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य कार किया गया था यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते भी हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया और ये गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंगस इसका तात्पर्य हुआ कि सत्रह में रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले बंगाल गवर्नर वारेन एस्टिंगस थे और उन्हीं को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया अर्थात लॉर्ड वारन एस्टिंगस के पास बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास की शासन प्रणाली भी आ गई और इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह में बम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल का के जनरल के अधीन कर दिया गया साथ साथ कंपनी के कर्मचारियों को के, के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निजी संपत्ति एवं गिफ्ट लेना यानी उपहार लेना यानी उपहार कुछ में उपहार इसलिए बोला गया था कि उसमें रिश्वत नहीं बोल सकते थे उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया तो सत्रह सौ तिहत्तर केवर्टिंग एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं को बंगाल का, का। प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया दूसरा क्या कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया निजी निजी व्यापार करने उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया और साथ साथ किसे जाता है इसे साथ साथ कलकत्ता में कलकत्ता में सत्रह सौ चौहत्तर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, की दो क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की गई है, वहां में। और वही दूसरा क्वेश्चन पूछे कि अगर भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना तब क्या हुआ कि उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम आ सकते हैं ध्यान रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के अधीन सत्रह सौ चौहत्तर और संघीय न्यायालय ब्रिटिश कालेंड उन्नीस और फिर अगर पूछे कि भारतीय संविधान के निर्माण के बाद या भारत की आज़ादी के बाद तो 1950 हो जाएंगे इस चीज़ को हर बार ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में सत्रह चौहत्तर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके तहत सत्रह सौ के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही और इसमें एलिजा एमपे एलिजा एमपे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने यानी कि कलकत्ता में सत्रह सौ चौहत्तर में सर्वोच्च न्यायालय बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा थे वैसे कभी पूछता आज तक क्वेश्चन नहीं है कि अन्य अन्य न्यायाधीश के बारे में लेकिन हर वक्त ध्यान किया कि वन प्लस थ्री थी, थी। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का नाम लॉर्ड टाइड है चेंबूस है एलिमिस्टर है तो सत्रह सौ तिहत्तर एक्ट किस के अंतर्गत मूल रूप से चार बातें हैं पहली बात है कि कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जो सब क्वेश्चन पूछते हैं दूसरा बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया तीसरा कि निजी व्यापार और उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया और चौथी बात कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलेजा एम्पे थे सत्रह तो सौ तिहत्तर एक्ट एक से इसी जुड़ा हुआ है हर वक्त ध्यान किया कि सत्रह सौ तिहत्तर एक्ट एक में के साथ एक और चीज जोड़ा गया था कि कंपनी को भारत में मुक्त रूप से व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया गया बीस साल के लिए यानी कि सत्रह तक ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार रूप से भारत व्यापार कर सकती थी तो हम देखते हैं कि ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया देखिए सत्रह के बाद सत्रह में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जिसके तहत सत्रह के जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ नियम कानून थे उसमें बदलाव की गई थे तो एक क्वेश्चन और पूछता सत्रह सौ के रेगुलेटिंग एक्ट समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे एक फैक्ट हर बार ध्यान किया गया कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे याद रखें हर वक्त ध्यान किया कि कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा इफॉर्मेशन मांगते हैं खासकर संवैधानिक विकास को लेकर और खासकर आपके एग्ज़ाम को लेकर अगर यू वगैरह या वी में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज भी करते हैं या थाटफुल वे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन अगर जेई का एग्ज़ाम हो या ऐसे के और भी एग्ज़ाम हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांग मांगते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्फॉर्मेशन कितना मिल रहा है ठीक है सत्रह में हर याद रहेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो भी व्यापार के लिए जुड़ा हुआ था या नियंत्रित करने के लिए जो जुड़े हुए थे वो एक ही अंतर्गत थे और सत्रह में पीठ सत्रह सौ चौरासी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया था सत्रह सौ चौरासी में सत्रह सो चौरासी एक्ट और चार्टर मंत्र होता है चार्टर राजलेख होता है इसका मतलब कि राजा के द्वारा एक मोहर लगाकर एक एक आधिकारिक सूचना दे दी गई लेकिन वही अगर एक्ट की बात करते हैं एक्ट का एक्ट का होता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद उसको पास कर रही थी तो सत्रह सौ तिहत्तर एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुए थे कि वाणिज्य व्यापार एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया इसका तात्पर्य है कि नियंत्रित करने वाली संस्था अलग हो गई और व्यापारिक जो व्यापार का अधिनियमन करती या व्यापार को देखरेख करती उसको अलग कर दिया गया और इसको एक नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार को और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यानी राजनीतिक कार्यों के लिए यानी कि अगर सत्रह सौ तिहत्तर में दोनों एक थे सत्रह में दोनों को अलग अलग किया और यह प्रक्रिया अठारह तक रही यानी सत्रह से लेकर अठारह तक वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स रहे यानी पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह से रहा और सत्रह अठारह में इसे समाप्त कर दिया गया यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को कब समाप्त किया गया अठारह में इसमें दो कार्य किए गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कार्यो को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक कार्य को देखता था याद रखिए स्थानीय शासन की रूपरेखा यहीं से तैयार हुई जो बाद में लॉर्ड कार्नवालिस ने आ, किया था तो सत्रह सौ चौरासी पिट्स इंडिया एक्ट आए याद रखिए भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया एक ये प्रक्रिया थी सर पिट्स इंडिया एक्ट जिसके तहत भविष्य में कंपनी के शासन कंपनी के शासन को कम करने की बात की गई यहाँ कि अठारह के बाद नेक्स्ट एक्ट है सत्रह हम इससे पहले भी बात किए थे कि सत्रह में 20 साल के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया और एकाधिकार को बढ़ा दिया गया और वो एकाधिकार सत्रह सौ तिरानवे तक समाहित है यानी सत्रह सौ तिरानवे में फिर से व्यापारिक एकाधिकार को बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया यानी सत्रह सौ तिरानवे से अठारह सौ तेरह ठीक है और सत्रह सौ तिरानवे एक महत्वपूर्ण घटना घटी देखिए याद रखिएगा कि एक राजनीतिक प्रक्रिया से ही कोई एक्ट बनते थे सत्रह सौ छिहत्तर में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुए अमेरिका का आज़ादी के बाद ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सबसे प्रमुख स्थान रखता था भारत प्रमुख स्थान रख रहा था और चूंकि लॉर्ड कार्ड वाले अमेरिका में उसमें गवर्नर जनरल थे वहां के के हारन, से हारने के बाद क्या हुए? भारत आए तो भारत आने में उन्होंने पहली बार देखा कि क्यों ना नागरिक अधिकार दिया जाए और सत्रह तिरानवे के एक्ट के तहत ही नारी अधिकार इक्कीस से पर सत्रह तिरानवे प्राप्त किया यानी कि नागरिक अधिकार लॉर्ड कार्नवाल ने दिया है तो कभी क्वेश्चन ही पूछता है कि स्थानीय शासन के जनक कौन थे लॉर्ड कार्नवालिस और सिविल सर्विस डे भी इक्कीस अप्रैल को मनाया जाता है उसी तारीख को लेकर क्योंकि तो इक्कीस अप्रैल सत्रह को पहली बार इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की स्थापना की गई थी तो मुख्य बात इसमें नहीं है मुख्य बात एक ही है कि व्यापारी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 20 साल होता है अठारह सौ तेरह ईस्वी में देखिए चार्टर अधिनियम अठारह ये यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि, कि अठारह के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने का तात्पर्य है कि भारत में व्यापार करने के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है बाकी कोई और भी यूरोपियन नागरिक आ सकते हैं ब्रिटिश नागरिक आ सकते हैं ब्रिटिश व्यापारी आ सकते हैं लेकिन एक सुविधा दी गई कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार चीन और चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही रखा गया तो हर वक्त ध्यान रखिएगा कि चार्टर अधिनियम अठारह सौ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन और चाय के व्यापारी का अधिकार किसके पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो इसके साथ साथ कि इसके साथ साथ अठारह के अधिनियम में के चार्टर में एक तो चीन और चाय को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर लिए गए दूसरा कि पहली बार भारत में धर्म प्रचार के लिए सुविधा दी गई तो ईसाइयों को धर्म प्रचार करने के लिए का अधिकार मिला 1813 के चार्टर में साथ साथ एक लाख रुपए भारत में शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया तो तीन मुख्य रूप से फैक्ट थे चीन और चाय के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया ईसाइयों को धर्म प्रचार के लिए सुविधा प्रदान की गई और शिक्षा पर पहली बार भारत में एक लाख रुपए खर्च किए गए तो ये 1813 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था अठारह सौ तेरह अधिनियम में फिर से क्या कि इसको बीस साल के लिए बढ़ा दिया गया यानी कि फिर से अठारह तेरह से लेकर अठारह सौ कि चार्टर अधिनियम अठारह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम में से आता है सत्रह के बाद क्योंकि इसमें पहली बार क्या कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया देखिए क्वेश्चन दो अलग अलग हो गए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पहली बार कब समाप्त किया गया अठारह सो लेकिन उसमें क्या था चीन और चाय के साथ व्यापार कर सकते थे लेकिन यह पहली बार क्या अठारह सौ तैतीस में व्यापारिकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया इसका मतलब है कि चीन और चा के साथ ही व्यापार क्या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकते हैं बल्कि ब्रिटिश के और भी व्यापारी 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 कर सकते हैं या यूरोपियन व्यक्ति भी कर सकते हैं साथ साथ भारत के अभी तक में हम देख रहे थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे लेकिन चार्टर अधिनियम अठारह के अंतर्गत भारत के पर, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो पहले थे लॉर्ड विलियम टिक हम जानते हैं अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल स्टिंगस और वही कंपनी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक चूंकि बंगाल से शक्ति हटाकर भारत किया जा रहा था इसका तात्पर्य था कि केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्रीकरण की दिशा का यह पहला कदम था यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था कब लागू करने की बात की गई थी वो कि अठारह में तो अठारह तैतीस से महत्वपूर्ण आते हैं कि कंपनी के व्यापार को पूरी तरह से एकाधिकार व्यापारिकाधिकार को समाप्त कर दिया दूसरी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया और इस अधिनियम के तहत फिर से क्या क्या 20 साल के लिए कंपनी कंपनी को कंपनी को भारत व्यापार करने की सुविधा दी गई तो हम देखते हैं कि सत्रह से सत्रह सौ तिरानवे तिरानवे अठारह सौ और अट्ठारह तेरह और तैतीस से तिरानवे तो नेक्स्ट होता है चार्टर अधिनियम अठारह सौ चार्टर अधिनियम अठारह सौ तिरपन के अधिनियम में भारत आईसीएस की परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा में बदला गया देखिए सत्रह सौ में आईसीएस की स्थापना की गई विलियम बेंटिक यानी 1833 में इसको प्रतियोगिता परीक्षा में लाया गया लेकिन अठारह में तिरपन के अधिनियम में यानी कि आईसीएस के एग्जाम को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और इसे कहा गया खुली प्रतियोगिता के रूप में इसका तात्पर्य है कि भारतीय इसमें भाग ले सकते थे प्रतियोगिता परीक्षा लाया गया था अठारह था में लेकिन भारतीयों के लिए नहीं था सीमित था लेकिन खुली प्रतियोगिता परीक्षा अठारह सौ तिरपन में आएगा लिखित परीक्षा जो खुली थी लेकिन अठारह सौ तैतीस से लेकर अठारह सौ तिरपन में भारत में कंपनी का अधिकार बढ़ गया था अठारह सौ सैंतालीस अड़तालीस में जब डलहौजी कंपनी के गवर्नर जनरल बने थे उन्होंने भारतीयों के भारतीय साम्राज्य विस्तार भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए कई डॉक्टर ऑफ लैप्स लाया डॉक्टर ऑफ लेप्स के अंतर्गत तो बहुत से असंतुष्ट राजा हो गए क्योंकि उनको उत्तराधिकार नहीं होने के कारण से गोद प्रथा खत्म नहीं होने के कारण से उसके उनके शासन व्यवस्था को ब्रिटिश कंपनी में समाहित कर दिया गया तो इसलिए कुछ न कुछ कहने के ये बातें ब्रिटिश संसद में उठ रही थी तो ब्रिटिश संसद एक अधिनियम बनाकर आना चाहती थी जिसके कारण से कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिपत्य कर लिया जाए और यह अधिपत तिरपन में कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह सकता है अर्थात इसका तात्पर्य है कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है ठीक यह प्रक्रिया के रूप में थी अगर अठारह तिरपन का अधिनियम नहीं आता इसमें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की बात नहीं होती तो अठारह नहीं किया सकता था तो पहला बात था प्रशासनिक विरोध ही रह गया यानी व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त अठारह सौ में कर दिया गया और यहां व्यापार को पूरी तरह भारत में खोल दिया गया यानी न इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में छह सदस्य हटा दिए गए ठीक है और ये छह सदस्यों में स... और गवर्नर जनरल परिषद को विधायक और कार्यपालिका कार्यों, कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया यानी कि अब सिर्फ गवर्नर जनरल परिषद जो एक साथ विधायक और कार्यपालिका कार्य देख रही थी एक तिरपन के में विधायी कार्यों और कार्यपालिका कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया तो मूल बात यही थी कटार तिरपन के अधिनियम में कि कंपनी के कंपनी को कभी भी समाप्त किया सकता है दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के छह से सटा दिए गए और साथ साथ गवर्नर जनरल परिषद में विधायक और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया और आईसीएस परीक्षा को खुली प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में लाया गया या अठारह सौ डलहौजी के शासनकाल में कहीं कहीं भारत में तत्कालीन भारत में एक समाजवादी नीति को विरोध के रूप में देखा गया और इसी के समय अठारह सौ का सैनिक विद्रोह हुआ सैनिक विद्रोह कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को ये बताई कि अगर शासन व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो कभी भी भारत में भी अमेरिका की तरह से विरोध चालू होगा और ब्रिटिश को हो सकता है कि अमेरिका की तरह क्या हो भारत भी स्वतंत्र हो जाए तो ब्रिटेन उस समय चाहता नहीं था कि अमेरिका तो एक बहुत बड़ा उपनिवेश हट ही गया है और भारत भी जो सबसे बड़ा उपनिवेश था सबसे बड़ी भारत उसके रिवेन्यू का स्रोत था वो भी हट जाए तो इसी को सुधार लाने के लिए कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद चालू हुआ ब्रिटिश क्राउन का शासन जो अठारह से लेकर उन्नीस तक था ब्रिटिश क्राउन शासन शासन अठारह सौ अंठावन से उन्नीस सौ सैतालीस इसका तात्पर्य है कि अब भारत के लिए कोई भी कानून कोई भी अधिनियम ब्रिटेन्स ब्रिटिश की संसद बना सकती है ब्रिटिश सरकार बना सकती है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब इसके लिए कोई कार्य नहीं करेगी तो अठारह से उन्नीस के बीच में ब्रिटिश क्राउन शासन हुआ और इसी के अंतर्गत अठारह का अधिनियम लाया गया एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ब्रिटिश शासन अधिनियम अठारह लाने के लिए मुख्य लाने का मुख्य कारण क्या था सिपाही विद्रोह अठारह का सैनिक विद्रोह तो भारतीय शासन अधिनियम अठारह सौ देखिए इससे पहले हम देखते हैं हर वक्त देखते हैं कि चार्टर पहले चार्टर था एक्ट आया उसके बाद क्या भारतीय शासन अधिनियम हर वक्त ध्यान क्या कि 1833 से पहले जो भी एक्ट आए थे वो चार्टर के रूप में थे लेकिन अठारह के बाद अधिनियम आए उसके बाद क्या भारत शासन अधिनियम अठारह के रूप में यानी भारत में शासन के लिए क्या क्या किया जाए उसके लिए अधिनियम आए तो हर रोज इसके ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछते भी है कि चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट या अधिनियम में क्या क्या अंतर होते हैं चार्टर का तात्पर्य होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मुहर लगाकर एक आज्ञा पत्र वही शासन अधिनियम का मतलब होता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित क्या कोई भी अधिनियम भारत अठारह सौ अंठावन में सबसे पहले भारत में उपनिवेश भारत जो उपनिवेश थे उसकी शासन व्यवस्था कैसे किया जाए इसके लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई जो ब्रिटेन में रहते थे और भारत में वायसराय बनाया गया वायसराय का मतलब होता है कि संसद का प्रतिनिधि तो हम देख रहे हैं दो एक ब्रिटेन रहते जो भारत सचिव थे जो भारत में क्या क्या किया जाए क्या नहीं है, किया जाए उसके लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई और वो ब्रिटेन रहते और दूसरा संसद के प्रतिनिधि जो भारत में कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखते उसे वायसराय कहा गया और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे तो अभी तक तीन शब्द आए हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेंस दूसरा कंपनी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और तीसरा भारत की प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ये भी पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और तो वैसे ही क्या होगा कंपनी के सॉरी तो ब्रिटिश सरकार के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया इसका मतलब होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट

अठारह सौ के अधिनियम में सुधार लाने के हेतु ही लाया गया भारतीय शासन अधिनियम अठारह सौ अठारह सौ इकसठ 1861 में भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लाने की बात की गई जिसके तहत पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला तो अध्यादेश 1861 के अधिनियम में भी क्या थे लॉर्ड कैनिंग ही थे यार लॉर्ड कैनिंग किस समय में दो बड़ी बड़ी घटना घटी थी कि एक तो इनकम टैक्स शुरुआत की गई और साथ साथ भारतीय बजट भी और दोनों जेम्स भारतीय बजट की भी शुरुआत की गई और दोनों शुरुआत करने वाले जेम्स विल्सन थे इसलिए कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि भारतीय बजट और इनकम टैक्स के पिता कौन है जेम्स विल्सन यहाँ का अध्याय देश का तात्पर्य होता है कि कि अगर ब्रिटिश काउंसिल से बिना अनुमति के कुछ समय के लिए ब्रिटिश भारत पर कोई भी अधिनियम कोई भी नियम कानून लागू किया सकता है जो अभी भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि अनुच्छेद एक के अंतर्गत या राज्यपाल के पास दो तेरे के अंतर्गत है लेकिन ये जुड़ा हुआ है कि भारतीय प्रसाद अधिनियम अठारह में ही ये अध्यादेश जारी कर दे दिया गया था और ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय के पास था ठीक है इसके साथ साथ केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना भी की गई ठीक है विधान परिषद मूल रूप से चार जगह स्थापना किए गए जो एक चार तो है मद्रास कलकत्ता बॉम्बे और पंजाब में की गई थी ठीक है और बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को शक्तियों को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में लाया गया इसका मतलब होता है कि मद्रास और बॉम्बे को धीरे धीरे क्या किया गया भारत में ही उसकी गवर्नर गवर्नर वगैरह समाप्त करके भारत में समाहित करने के प्रयास किए गए तो अठारह सौ के अधिनियम मूल रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था अध्यादेश वायसराय के पास था अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला और केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई तो आज यही तक क्लास होगी कल हम लोग देखें देखेंगे अठारह सौ बिरानवे से लेकर उन्नीस सौ सैंतालीस के अधिनियम और संविधान सभा का निर्माण देखेंगे